रोडवेज बसों के रेवेन्यू को बढ़ाकर घाटे से उबारने के प्रयास के बीच में दम तोड़ती रोडवेज बसों का एक और मामला सामने आया। अजमेर डिपो की एक रोडवेज बस ब्यावर SBI बैंक के समीप हाफ गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक अजमेर से जोधपुर के लिए अलसुबह निकली रोडवेज बस ब्यावर स्टैंड पर पहुंचने के बाद जब वापस रवाना हुई तो SBI बैंक के पास बस खराब हो गई। बस के खराब होने पर यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई। ऐसे में खराब बस को दूसरी बस में टॉचिंग कर ब्यावर डिपो स्थित वर्कशॉप पर लाया गया। बस को टॉचिंग कर लाते वक्त भगत चौराहा पर टॉचिंग पेच खुल गया, जिससे चौराहे के समीप जाम लग गया और बेमुश्किल रोडवेज बस को डिपो कार्यालय की वर्कशॉप लाया गया। बताया गया कि बस के इंजन में खराबी होने के चलते बस खराब हुई। गौरतलब है कि गत दिनों पूर्व भी एक वोल्वो बस खराब होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी थी।